मंगलवार को नगर पंचायत बाजना की गौशाला पर कस्बा वासियों ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर पंचायत बाजना के पूर्व सभासद शेर सिंह चौधरी ने बताया कि 5 दिन से गायों को चारा नहीं मिल पा रहा है, जिससे गौवंश की हालत खराब होने लगी है। वहीं नगर पंचायत बाजना के सभासद प्रतिनिधि संतोष कुमार बोहर ने आरोप लगाए हैं कि गौवंश के लिए ठंड से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, न ही गौशाला में चारे के इंतजाम है, जिसके चलते रोजाना गौवंश भूख और ठंड से दम तोड़ रहा है। वहीं गौ रक्षक दल के पदाधिकारी कन्हैया चौधरी ने बताया कि बाजना गौशाला अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है। जिम्मेदार लोग गौवंश की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द गायों के चारे की व्यवस्था नहीं की गई तो नगर पंचायत बाजना गौशाला पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर प्रकाश चौधरी, महेश काका, मुकेश चौधरी, चंद्रपाल फौजदार, गजेंद्र पाठक, मान सिंह चौधरी, राजन पाठक आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार लाख दावे करती हो कि हम गायों को चारा खिला रहे हैं, उन्हें सही रख रहे हैं, लेकिन अपनी बदहाली के लिए आंसू बहा रही है नगर पंचायत बाजना की गौशाला, जो कि नगर पंचायत द्वारा चलाई जाती है। उसमें यहां बताया गया है कि ना तो गायों के लिए चारा है, ना पीने के लिए पानी है, और ना ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था है। जानते हैं समाज सेवियों से, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सभासद नगर पंचायत के, क्या हैं यहाँ की कमियाँ जी? सभासद जी बताएँ, आज जो आप नगर पंचायत बाजना की गौशाला पे आए हैं, या क्या समस्या है? मैं कई दिन से आ रहा हूँ, कंटिन्यूस देख रहा हूँ, गाय के लिए चारा नहीं है, गाय बहुत परेशान है। अब ये कर्मचारी बेचारे क्या करें, इनसे मैंने कहा था कि भैया ये भूखी क्यों है, इनके लिए 4-5 दिन से चारा ही नहीं है, ये मांग मांग के चारा खवा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं पड़ रही है, और तो गाय के बारे में कोई देख रेख ऐसी खास नहीं है। तो चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं इस मामले में? मेरी चेयरमैन से ही बात हुई है, और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से भी बात हुई है, दोनों ने कहा कि बस मंगवा रहे हैं, कल मेरी बात हुई थी, लेकिन आज तक अभी तक कोई चारा नहीं आया है। तो इस कड़ाके की ठंड में इनके लिए कोई व्यवस्था है ठंड से बचने के लिए? अब ये टीन है, टीन सेट में बस्ती है, और क्या है बेचारियों के लिए? अलाव अलाव नहीं जलता है, कुछ नहीं अलाव, तो बाजना नगर पंचायत में भी नहीं जल रहे इतनी ठंड में, जले ही नहीं है कहीं, नहीं हमारे लेन मतलब को क्या हाल है यहाँ नगर पंचायत में? भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, देख रेख ना है, चारों ना है, कोई इनके लिए जिम्मेदार आदमी ना करेगा आज तक, कोई टाउन एरिया कर्मचारी को डांट जाए हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, जिम्मेदार आदमी होने चाहिए। तो सरकार से पैसा नहीं आता क्या यहाँ? वो तो चेयरमैन के खाते में आता होगा, आम जनता का बताओ, कोई व्यवस्था नहीं होती यहाँ पर गाय के लिए? क्या समस्या है गौशाला में? समस्या गौशाला में ना गैया के लिए चारो है, ना पानी है, ना कोई छापटो है, और गैया बिल्कुल तुझी जा रही है। हम कब से नहीं है चारा? 2 दिन से तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल पत्ता नहीं रहा साहब। तो किसी जिम्मेदार आदमी से बात हुई आपकी? नहीं जी, हमारी तो, हम तो यहाँ आए यहीं आए के में कहीं गैया न्यार फूसना है, हमें तो नहीं ऐसा लगे जिम्मेवार आदमी कौन है यहाँ को, इन गैया को क्या समस्या है यहाँ? समस्या की है भैया, यहाँ देखिए न्यार फूसा की दिक्कत है, ये हमने तो सूचना भाई सुनी, और 3-4 दिन पे आज के न्यार फूसना है, या व्यवस्था करी जाए, ये उल्टे सूधे पैसा आ रहा हो या खा रहे हैं चुना है, या व्यवस्था गैया जितनी है काउंटिंग में कमे, फिर वो इनकी व्यवस्था बढ़िया है ना पा रही। कितनी कमे काउंटिंग में? काउंटिंग में 36-37 है, आज के 20-22 गैया हैं। तो बाकी गायों का क्या किया इन लोगों ने? पता नहीं क्या किया, अब लग रहे हैं आपके साथ। कब से नहीं हुई काउंटिंग पूरी? काउंटिंग कोई 20-25 दिन से नहीं हो पा रही। काउंटिंग तो ये हर बार पूरी कर दे, बाहर दे पकड़ला में काउंटिंग दिखा दे, और हमारी कई बार इनसे बहस रह चुकी है यही में, कई बार मतलब पर कुल मिला गए, हमारी कोई सुनवाई है नहीं, कभी पुलिस आ जाए कभी कोई आ जाए, व्यवस्था नहीं है गायों के लिए। हाँ, हर रोज गैया खत्म है। क्या कमियाँ हैं गौशाला में? या गौशाला में कमी है, आए दिन कोई गाय मर रही है, कभी कभी यहाँ डॉक्टर भी ना आए, हमने कई बार बुलाया कि डॉक्टर बुलाएं, ब्लॉक से डॉक्टर बुलाएं, जब इलाज कराया वो इनको, अभी हमें 3-4 दिन से बोल रहे हैं कि चारा भी ना आए। तो नगर पंचायत का क्या दिया इस मामले में? बात की है नगर पंचायत से, बात हुई है, नगर पंचायत कहती है कि खर्चा ही नहीं मिल रहा है हमें, पानी की टंकी टूट रही है, और यहाँ पानी के लिए भी प्यासी रहती है, पानी की टंकी फूटी हुई है यहाँ, सही नहीं कर पाते। उसकी भी उस दिन बोल दिया था कि इसको अगर आपके पास नहीं है तो 2-4 कट्टे सीमेंट के हम भिजवा देंगे, कि नहीं करवा देंगे, वो भी अभी शायद ठीक नहीं हुई है अभी टंकी। क्या मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की गौशाला की? देखिए, सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो
आप इस तरह की जो गौमाता है, जो गौवंश है, उसकी जो ये परेशानियां हैं उनको हाईलाइट करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए आए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि आए दिन, हमने पहले भी अपनी पत्रकार बंधु पहले नहीं आ पाए, पहले भी फेसबुक के माध्यम से कई बार लाइव कराए हैं, यहाँ पे आए दिन दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद कोई ना कोई गाय ख़त्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ भुखमरी की वजह से। और दूसरा ये है कि हमने ईओ साहब, यहाँ के जो ईओ हैं विकास जैन, हमने उनको कई बार बोला है, हालांकि लिखित में हमने अभी तक कुछ ऐसा एप्लीकेशन नहीं दिया है। कई बार हमने उनको शिकायत करी है कि यहाँ भुखमरी की बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ टंकी जो है, कुंडी जिसको हौदी बोलते हैं, वो नीचे से फूटी हुई है, उसका जो तल है उसमें से अगर लाइट चली जाए और पानी उसमें से निकल गया है, अगर गाय को प्यास लगी हुई है तो पानी नहीं पी पाएगी, क्योंकि उसका तल टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, उसमें से पानी रिस जाता है, तो ये प्यासी रहती है यहाँ पे गाय। आप यहाँ देख रहे होंगे लड़ामनी, जिसको ये चारा के लिए जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ लड़ामनी ही बोलते हैं, इसमें चारा नहीं है, और अगर चारा मिलेगा आपको तो वो सड़ा हुआ मिलेगा। और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं देवीराम चेयरमैन, और ये आदर्श नगर पंचायत के अधीन में है जो नगर पंचायत है, मुझे सुनने में आया था कि, वैसे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, 2-2.5 करोड़ रुपए के समथिंग एक्स्ट्रा मिला है क्योंकि ये आदर्श नगर पंचायत है, तो वो पैसा कहाँ है आपको मैं बता दूँ, ना तो नगर पंचायत बाजना की सड़कों में, रोडों में पैसा लगा है, ना ही अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें तो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने सेंक्शन करवाई है, ये उनके द्वारा ये लग रही है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, इन्होंने करा क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ना तो यहाँ गौ सेवा के लिए कुछ भी है। दूसरी बात ये है कि हम चेयरमैन साहब के पास गए थे, चेयरमैन साहब कहते हैं जी मेरे पास खर्चा नहीं मिल रहा है, खर्चा नहीं मिल रहा है, आप अब हमसे, हम उनसे आरटीआई में लिखित में मांगेंगे कि आपके पास जो 5 साल का जो शासन काल था उसमें आपके पास कितना पैसा आया है, आप गाय की सेवा तक नहीं कर पा रहे हो, गाय को चारा तक नहीं खिला पा रहे हो क्या, और ये देखो व्यवस्था क्या है ठंड से बचने के लिए, कुछ नहीं है, ये पल्लड़ से हवा रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा, ये ठंड की वजह से यहाँ गाय मर रही हैं, भुखमरी की वजह से यहाँ गाय मर रही हैं, और आए दिन दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ दो तीन दिन के बाद आइए, आपको कोई ना कोई गाय यहाँ मृत अवस्था में मिलेगी।